दोस्तों अगर आप अपने चैनल को गूगल एड्स की मदद से प्रमोट करना चाहते हैं तो गूगल एड्स की मदद से वीडियो की एड्स चलाने से पहले इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखना, क्योंकि 5 मिनट का वीडियो है किया जाएगा और ऐसे में सभी का पैसा मेहनत का ही पैसा होता है। बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर तो अपने चैनल को ग्रो करने के लिए गूगल एड्स का सहारा लेते हैं, वीडियो की एड्स चलाते हैं कुछ पैसा इन्वेस्ट करके। लेकिन यार गाइस जितने भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 500 हो, 1000 हो, 2000, 3000, 5000 जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर के साथ कुछ मिस्टेक हो जाते हैं, वहाँ से कुछ भी फायदा नहीं ले पाते हैं। और गूगल एड्स की मदद से अगर हम लोग अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग का मेन टारगेट होना चाहिए सब्सक्राइबर, क्योंकि देखिए गूगल एड्स की मदद से कोई भी वीडियो की अगर एड्स चलाते हैं तो वहाँ पर जितना वॉच टाइम इंक्रीज होता है वो सब काउंट नहीं होता है हमारे चैनल के लिए, या फिर चैनल मोनेटाइजेशन कराने के लिए, या फिर व्यूज से क्या फायदा होगा, व्यूज से तो कुछ फायदा नहीं होगा अगर सब्सक्राइबर ही इंक्रीज ना हो। तो हम लोग का मेन टारगेट जो है वो सब्सक्राइबर। लेकिन यार गाइस सही ढंग से अगर एड्स नहीं चला पाते हैं, सही ढंग का वीडियो अगर चॉइस नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को सब्सक्राइबर भी इंक्रीज नहीं होता है। और इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं गूगल एड्स की मदद से, तो आपको अपने चैनल के वीडियो में से कौन सा वीडियो सिलेक्ट करना चाहिए एड्स चलाने के लिए। एड्स चलाने के लिए वीडियो सिलेक्ट करने का 2-3 तरीका है, यहाँ पर मैं आपको 2 तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर आप अनबॉक्सिंग से रिलेटेड कुछ वीडियो वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करना होगा, क्योंकि इन्वेस्ट के बदले में आपको कुछ पैसा भी रिटर्न मिलेगा। ऐसे में अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ है फिर भी आपको कुछ पैसा रिटर्न मिलेगा, कैसे मिलेगा आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सीधा पॉइंट पर बात करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात बोल देता हूं। देखिए अगर आप गूगल एड्स के वहां पर कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये देखना जरूरी है कि आपका वीडियो कैसा हो रहा है, आई मीन आपकी चैनल की कैटेगरी के हिसाब से आपके वीडियो की क्वालिटी कैसा है, ये सबसे पहले देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर क्वालिटी खराब है, और दूसरी बात अगर आप अपने चैनल पर एक्टिव नहीं रहते हैं तो उसके बावजूद भी अगर आप गूगल एड्स का सहारा लेना चाहते हैं, गूगल एड्स के वहां पर कुछ पैसा इन्वेस्ट करके अपने चैनल को ग्रो करने के लिए सोचा है तो गलत है, कुछ दिन वेट कीजिए। जब आपकी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सही हो जाएगा उसके बाद आप गूगल एड्स का सहारा लीजिएगा, उस वक्त आपको पैसा का भरपूर फायदा मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने चैनल पर जाना है और वहां पर देखना है कि लास्ट 28 डेज के अंदर कौन सा वीडियो में सबसे ज्यादा व्यूज आया है, उस वीडियो को आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। अगर कंडीशन कुछ ऐसा है जिस वीडियो में लास्ट 28 डेज के अंदर व्यूज ज्यादा आया है लेकिन उस वीडियो के जरिए सब्सक्राइबर ज्यादा हासिल नहीं हुआ है, बहुत ही कम सब्सक्राइबर हासिल हुआ है, तो उस वीडियो की एड्स आपको नहीं चलाना है। उस वीडियो को रिजेक्ट करने के बाद आपको देखना है लास्ट 28 डेज के अंदर कौन सा वीडियो से सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हासिल हुआ आपके चैनल पर, उसी वीडियो को एड्स आपको चलाना है। अभी यहाँ पर और एक सवाल होता है, जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन लोगों के चैनल में 1-1.5 महीने के अंदर भी 1 सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं होता है तो वो लोग कैसे डिसाइड करेगा कि सब्सक्राइबर कितना हासिल हुआ कौन सा वीडियो से, आई मीन वीडियो को कैसे सेलेक्ट करेगा। तो उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप उस वक्त वीडियो की एड्स मत चलाइए, क्योंकि इसका बहुत सारा मतलब हो सकता है, या फिर आपके वीडियो की क्वालिटी ही खराब है, या फिर आप कुछ जो समझाना चाहते हैं लोगों को वो अच्छी तरह समझा नहीं पाते हैं, ये भी मतलब हो सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल ही नए YouTube क्रिएटर हो। यहाँ पर मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, 1-1.5 महीने के अंदर आपके चैनल पर अगर 1-2 सब्सक्राइबर भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके चैनल पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो और इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और ऐसे टाइम अगर आप गूगल एड्स का सहारा लेते हैं तो गूगल एड्स का सहारा लेने के बावजूद भी आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, कुछ फायदा आपको नहीं होगा। तो इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपके चैनल के साथ कुछ ऐसा कंडीशन है तो आप गूगल एड्स का सहारा मत लीजिए, अगर सहारा लेने जाते हैं तो आपका पैसा खराब भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप गूगल एड्स का सहारा लेना ही चाहते हैं तो आपको देखना होगा अपने चैनल में से कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, वर्स्ट टाइम कौन सा वीडियो में सबसे ज्यादा आया है, ये सब देख के आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर है जो लोग 1-2 साल से यूट्यूब में काम कर रहा है फिर भी उन लोगों का चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, या फिर उन लोगों के वीडियो की जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, ऐसे में अच्छा क्वालिटी की वीडियो अपलोड करने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। एक्चुअल में ऐसा प्रॉब्लम किन लोगों को होता है, कुछ गलतियां जो लोग करते हैं, वीडियो प्राइवेट करते हैं, चैनल का नाम चेंज जो लोग करते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होते हैं कि 1-1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर 1-2 सब्सक्राइबर भी इंक्रीज नहीं होता है। तो वो लोग गूगल एड्स का सहारा उस वक्त ले सकते हैं क्योंकि बहुत दिन से काम कर रहा है, वीडियो भी अपने चैनल पर बहुत ज्यादा हो गया, तो उस वक्त गूगल एड्स का सहारा ले सकते हैं। अभी बात करते हैं दूसरा पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये है, देखिए अगर आप अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियो अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप एक एफिलिएट मार्केटिंग क्रिएट कीजिए सबसे पहले, और उसके बाद अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए
गूगल एड्स का सहारा लीजिए। जो भी प्रोडक्ट आप अनबॉक्सिंग करते हैं उस प्रोडक्ट का लिंक अगर अपने एफिलिएट अकाउंट से लेकर जिस वीडियो की एड्स चलाना चाहते हैं आप उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक डाल देते हैं तो वहां से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे गूगल एड्स के अंदर उतना पैसा रिटर्न भी आ सकता है या फिर उससे डबल भी आ सकते हैं। तो गाइस वीडियो की एड्स चलाने के लिए कुछ इस तरह करके अगर हम लोग वीडियो को सिलेक्ट करते हैं तो वहां से हम लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज हम लोगों का पैसा ऐसे ही खराब हो सकते हैं। और दोस्तों एड्स कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, वीडियो की एड्स चलाने के लिए जो हम लोगों को कुछ वहां पर जो भी कुछ करना होता है वो सब हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही क्लियर तरीके से वीडियो आ रहा है मेरे चैनल पर बहुत ही जल्दी। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो शायद उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, अगर आपको जरूरत है तो उस वीडियो को जाके जरूर देखना। उस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियरली साफ साफ बताया हूँ कि कैसे एड्स कैंपेन क्रिएट करना है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को अभी कभी लाइक और शेयर करते हुए कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा और जो भी आइडिया मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए बताया हूँ ये सब आइडिया आप लोगों को कैसे लगा जरूर कमेंट करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो आज के लिए इतना, मिलेंगे सो नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।